सावन महीने के आज पहले शनिवार के उपलक्ष में शहर के काला घोड़ा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी भक्तों की भीड़ का नजारा देखने को मिला था। सावन की शुरुआत होने के साथ ही ये सावन महीने में सोमवार और शनिवार का विशेष महिमा रहता है। हनुमान जी को भी शिव अवतार माना जाता है। ऐसे में आज सावन महीने के पहले शनिवार के उपलक्ष में शहर के हरेक हनुमान मंदिरों पर भक्तों की भीड़ का नजारा देखने को मिला था। शहर के सुप्रसिद्ध वैसे साक्षात माने जाते काला घोड़ा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी आज शनिवार के उपलक्ष में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रिय वैसे सिंदूर तेल सहित काले इड़क का भोग लगाते हुए पूजा अर्चना वंदना की गई, जहां आज सुबह से ही पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ बनते हुए दर्शन के लाभ लिए गए। श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। तमारा कहवा प्रमाणे आज श्रावण महीना नो प्रथम शनिवार छे 30 तारीख अने बधा वडोदराना भक्तोने खबर छे कि आ श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज देवस्थान है, मंदिर है, जो विश्वामित्री किनारे आवेलू है। बहु पौराणिक और बहु जागृत एवं श्री पंचमुखी हनुमान जी दादा अँ बेसेला है। आज विशेष श्रावण महीना महत्व पहलो शनिवार है, तो सवार थी सर्व भक्तों आज अँ दर्शनार्थे बहुज भीड़ भेगी थेली है। अँ दादा ने बहु लोग वडोदरा माने से અને લોકોને બહુ શ્રદ્ધા છે, જે શ્રાવણ માસ પવિત્ર માસ ગણવામાં આવે છે એના અંદર ખાસ કરીને શ્રી શિવજી ભગવાન અને શ્રી હનુમાનજી દાદા એમનું મહત્ત્વ વધારે રાખે છે લોકો અને દર્શનાર્થે આવે છે। તો આજે આ શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર શનિવારે બધા વડોદરાના ભક્તોને મને ખાસ જણાવવાનું કે દર્શનાર્થે પધારવું અને શ્રી હનુમાનજી મહારાજને તમારું સંકટ જે કંઈ હોય તેને કહેવાનું, રક્ષા કરે એવી રીતે દાદાને પ્રાર્થના કરવાની। તો બધા ભક્તોને ખાસ જણાવવાનું કે દર્શનાર્થે પધારજો। મારું નામ નીતિન પુરાણિક, રિંકુ મહારાજ।